अरण्य के अंतर्गत कई पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी, संवाददाता धीरज कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड में कई पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी, इसका जायजा लेने पहुंचे लोजपा अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज एवं भाजपा युवा नेता भास्कर जी। जब हमने इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बारे में लोजपा अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज से बात की, तो मोहम्मद फिरोज ने बताया कि यह जो अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, ना इस पर यहाँ के स्थानीय सांसद, मंत्री या प्रखंड विकास पदाधिकारी सीओ साहब वह भी इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अभी तक मुआयना नहीं करने आए हैं और ना ही नाव की ही व्यवस्था करवाई गई है। मोहम्मद फिरोज ने बताया कि इस परिस्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको कैसे अस्पताल ले जाया जाएगा और मेडिसिन की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी, यह भी एक समस्या का विषय बना हुआ है। मैं अपनी सरकार से मांग करता हूँ कि अभी जो स्थिति बनी हुई है वह स्थिति को देखते हुए अविलंब राशन, रहने के लिए घर एवं नाव की व्यवस्था करवाई जाए ताकि आदमी एक जगह से दूसरे स्थान पर आ जा सके, राशन पानी लेने के लिए भी जा सके। वहीं कुछ ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि हम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पानी को तैर कर आते जाते हैं, रास्ते में सांप दिखाई देते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, लेकिन इस पर हमारे स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा कोई भी पहल नहीं की गई है। अच्छा, आप लोग जो ये हेल करके आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बांधपुर से आए। इधर आपका घर पड़ता है? क्या कुछ परेशानी हो रही है आप लोगों को आने जाने में? आने जाने में बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है? जैसे कि इतना पानी में हिल के आना पड़ रहा है। अच्छा, और पता नहीं क्या क्या मिल जाए पानी में। अच्छा, इस सब का आप लोग पानी हिल करके आते हैं, आप लोग को डर उर नहीं लगता? जी लगता है, तो लेकिन क्या करें, हिलना पड़ेगा ना। अच्छा, काम के लिए। क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद एजाज। घर? घर है जतनलपुर। वार्ड नंबर? वार्ड मेंबर है 5। तो क्षेत्र का जो ये हाल बना हुआ है जर्जर, आप अभी देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कैमरामैन से कि पूरा क्षेत्र दिखावे। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रामीण हैं जिनसे कि हम पूरी तरह जानकारी अभी लेंगे। बताइए सर, जो क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में क्या आपके जो है तो सीओ वीडियो साहब से कुछ मिला है? सर, सीओ वीडियो साहब तो कोई यहाँ पे तो आए नहीं है जी, और ना ही कोई मतलब यहाँ पे राहत दिए हैं जी। एक्चुअली जितना परेशानी हो रहा है पब्लिक को जी, शायद ही उभर पा रहा है कोई भी जी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर ऐसा कुछ घटना घटे जी, तो शायद ही मुश्किल है कि लोग जगह पर पहुँच सकता है, हॉस्पिटल या कहीं भी पहुँच सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, जब देखिए, जब एक तो लॉकडाउन से सब परेशान है, ऊपर से बाढ़ का परेशानी है, कोई तो सोचना चाहिए, कोई भी तो पदाधिकारी आके पूछना चाहिए कि आपका हाल क्या है जी। ऐसा नहीं होता है। मैं एक बात और बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं बम्बई से बिलोंग करता हूँ, मैं बम्बई से आया हूँ, बम्बई का भी वही हाल था जो कि वहाँ भी मतलब लॉकडाउन में सब परेशान था, वहाँ से लोग प्रवासी लोग सब पैदल आए हैं और हम लोग भी घर आए तो ट्रेन से, लेकिन यहाँ आने के बाद भी और भी परेशानी हो रही है। जैसे कि आप देखिए, रास्ता सही से चलने को नहीं मिल रहा है, पानी है ना, कोई पूछने आ रहा है भाई खाने को है या नहीं है, ये बहुत विचित्र हाल है सबका। क्या आपने सीओ साहब से इस मुद्दे पर बात की थी? सीओ साहब से मेरी मुलाकात नहीं है, खैर हमारे गांव के जो मुनसून साहब हैं वो गए थे मिलने के लिए, तो उनको साथ कुछ बोला गया है कि हम प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां से कोई फैसला नहीं है। आपकी बात फोन लाइन के द्वारा हुआ था क्या? नहीं नहीं, फोन लाइन भी मैंने किया हूँ। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज, मैं हूँ आपके साथ धीरज कुमार। आइए जानते हैं आज समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत जटमलपुर गांव में हम अभी उपस्थित हैं। ये क्षेत्र, ये इलाका आप देख सकते हैं पूरी तरह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आइए जानते हैं हम इनके ग्रामीणों के द्वारा क्या कुछ प्रशासन के तरफ से या सीओ वीडियो साहब के तरफ से क्या कुछ मदद मिला है या नहीं मिला है। बताइए भाई साहब, आपको यहाँ पर जो है कुछ अभी तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कुछ जो है सो पदाधिकारी के द्वारा मिला है? अभी तक बाढ़ क्षेत्र में पदाधिकारी के द्वारा कुछ नहीं मिला है, यहाँ तक कि पूर्ण रूप से नाव की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। ये तीरा पंचायत में लगभग 7000 जनसंख्या बाढ़ से पीड़ित है, लगभग 1200 एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कुछ राहत देने की बात की तो दूर है, अभी तक बाढ़ घोषित भी नहीं हुआ, जो कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ चलने के लिए आदमी को तैर के आना पड़ता है। कब कौन सी दुर्घटना हो जाएगी यह कहना मुश्किल है। अगर इस गांव में रात बिरात कोई समस्या हो जाए, जो नाव की व्यवस्था नहीं है, तो पेशेंट वहीं पर मर जाएगा।
लेकिन उसको हॉस्पिटल जाने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। इस मुद्दे पर आप बीडीओ साहब से बात किए थे? बीडीओ साहब और सीओ साहब दोनों आदमी कहते हैं हम व्यवस्था कर रहे हैं। पता नहीं व्यवस्था करने में कितनी देरी होती है, पता नहीं व्यवस्था करने में उनको कितने साल लगेंगे, या कोई अनहोनी हो जाए उसके बाद व्यवस्था करेंगे, ये तो कहना मुश्किल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्रामीणों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि हम प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीओ साहब से बात किए, लेकिन सीओ साहब इस पर पूरी तरह अनसुनी करते हैं। आइए, हमारे साथ दूसरे ग्रामीण भी हैं यहाँ पर, हम उनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ परेशानी है इनका, क्या है परेशानी आपका? बहुत कुछ परेशानी है। क्या कुछ यहाँ पर जो है सो अभी तक आपके पंचायत प्रतिनिधि जैसे मुखिया जी हुए उनके यहाँ जो है सो राशन उपलब्ध रहता है, जैसे बाढ़ प्रभावित हो या किसी भी अनिश्चितकालीन के लिए उनके यहाँ राशन उपलब्ध रहता है, क्या आपको मिला है? कुछ भी नहीं मिला है, कोई सहायता। क्या कहना चाहते हैं अभी आप? क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं बड़ी जान वाले आशिक हम सा कहा, इश्क की बाजी ना हारेंगे ऐसे देंगे सनम। हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ जनता के बीच राहत मिली है या नहीं मिली है, बताइए फिरोज जी। अभी तक तो जनता के बीच कोई राहत नहीं मिली है। सीओ से मैंने कल बात किया था फोन पे, लेकिन वो बहुत बिजी बता रहे हैं अपने आप को और फोन उठाने से भी कतराते रहते हैं जी। तो उनका कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है सीओ का। आज हम वीडियो साहब से भी बात करते हैं यहाँ पे, तो इतनी बहुत बुरी स्थिति में चल रहा है कि एक तो कोरोना से सब आदमी परेशान हाल थे, खाने के बगैर तड़प रहे थे, दूसरी तरफ ऐसा हो गया है कि बाढ़ की पानी से सब बर्बाद हो गया, फसल से लेकर सब्जी तक, जानवरों की चारा की बहुत व्यवस्था, बुरी तरह से व्यवस्था खराब हो चुकी है, और बरसात भी इतना ज़्यादा है कि कहना बहुत मुश्किल हो गई है। किसी को अगर कोई हादसा ऐसा हो जाता है इस पोजीशन में, तो यहाँ पे आना और किसी चीज़ की संभव करना, हॉस्पिटल जाना या मेडिसिन करना बहुत ही मुश्किल हो गई है। इस व्यक्ति में जो हमारे सीओ साहब हो या बीडीओ साहब हो या कोई भी अधिकारी हो, अभी तक कोई भी सूचना नहीं ली है, ना एक बार भी आके भी देखे हैं कि क्या स्थिति है इस पूरा पंचायत की। अच्छा फिरोज जी, हमें ये बताइए कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सीओ साहब के द्वारा जो नाव अवेलेबल करवाया जाता है, क्या इस क्षेत्र में हुई है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं अवेलेबल हुआ। इसकी शिकायत आपने की है सीओ साहब? नहीं, कल मैंने फोन किया था सीओ साहब को, लेकिन वो बात नहीं कर पाए, बोले सिर्फ कि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में मैं बात करता हूँ, बात नहीं हो पाई। अच्छा, यहाँ के जो मान लीजिए मुखिया जी हैं, तो जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है तो उस क्षेत्र में मुखिया जी के द्वारा अविलंब राशन अवेलेबल कराया जाता है, क्या यहाँ ग्रामीणों का हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले करवाए थे जी, अभी नहीं हुआ है। अच्छा, आपके प्रतिनिधि करवाए थे? हाँ, इससे पहले कुछ करवाए थे। चलिए, धन्यवाद। और यहाँ पर एक और ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है जो कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और इनसे हम जानना चाहते हैं क्या कुछ इनकी कठिनाई है, बताइए क्या आपकी परेशानी है? सर, परेशानी तो बहुत है। क्या? जानवर से लेके इंसान तक को परेशानी है। घर से आने जाने का कैसे व्यवस्था? घर से आने का कोई व्यवस्था नहीं है सर, हिल के आते हैं जी, हिल के जाना होता है, रास्ते में सांप मिलता है, गुजर मिलता है, बहुत दिक्कत है सर। क्या कहना चाहते हैं अपने स्थानीय विधायक सांसद प्रतिनिधि लोग से? हमारे विधायक जी महेश्वर हजारी एक बेर आए यहाँ से, सांसद मतलब केंद्र में चले गए मंत्री बन के, दोबारा जनता को देखने नहीं अभी तक आए हैं। अच्छा। जनता मर रहा है कि मर गया जी। एक बार भी नहीं आते हैं देखने। आपके क्षेत्र का तो माननीय महेश्वर हजारी जो हैं वो तो बराबर दौरा करते रहते हैं, क्या आप हम लोग ऐसा कुछ हम लोगों के बीच में आज तक नहीं आए सर? हम लोग जहाँ खड़े हैं देखिए, हमारा गाँव पूरा इधर दह चुका है, एक बार भी नहीं कभी आए हैं रोड पे भी हमसे मिलने जनता से। आप देख सकते हैं धरातल पर माननीय महेश्वर हजारी के द्वारा किया गया कार्य कुछ नहीं है, लेकिन ढिंढोरा पीटने में आगे रहते हैं। साफ देख सकते हैं किस तरह से जनता जो है उनकी ये परेशानियां जो है वो अपने स्थानीय जो भी है महेश्वर हजारी जी से कहना चाहते हैं। हम आगे कोशिश करेंगे कि उप पदाधिकारी जो हैं हमारे कल्याणपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो इस चीज़ पर ध्यान दें और अतिशीघ्र यहाँ की जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। मैं हूँ आपके साथ धीरज।